नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। नगर पालिका के कर्मचारी ही कर रहे आवारा पशुओं का सौदा। जी हां, खबर है नरसिंहपुर से, जहां नरसिंहपुर में नगर पालिका द्वारा रोडों पर घूमने वाले जानवरों को उठाकर कनीघाट व अन्य स्थानों पर छोड़ने की जिम्मेदारी जिन नगर पालिका कर्मचारियों के ऊपर है, वही जानवरों का सौदा कर रहे हैं। पिछले दिनों एक वीडियो सामने आई जहां नगरपालिका के कर्मचारी जानवरों का सौदा करते हुए दिख रहे हैं और नगरपालिका की गाड़ी से जानवरों को उतारकर अन्य वाहनों में चढ़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया में हुए वीडियो वायरल। नगरपालिका अधिकारी द्वारा दोषियों पर उचित जांच की बात की जा रही है। हाँ, मैंने अभी देखा कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नगरपालिका की एक ट्रैक्टर ट्राली से एक अन्य वाहन में गौ और बैल बछड़ों का इस गाड़ी में ट्रांसफर कर रहे थे, तो उसके वीडियो बहुत तेज तरीके से वायरल हो रहा है। तो मेरा यही बोलना है कि एक निंदनीय कृत्य है, इसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाए। आखिर किसके संरक्षण में ये सब कार्य किए जा रहे हैं कि एक प्रशासन की गाड़ी, एक नगर पालिका की गाड़ी जाके ये सब कृत्य करे, तो ये कहीं ना कहीं छवि को धूमिल किया जा रहा है। तो और एक भरोसा कायम रखने के लिए मैं चाहता हूँ कि एक कठोर से कठोर प्रशासन कार्यवाही करे और जो भी इसमें दोषी पाए जाए उनको सख्त से सख्त सजा मिली जाए। सर, किस संगठन से हैं आप? मैं राष्ट्रीय हिंदू संघ से प्रदेश अध्यक्ष हूँ, आपका अपना सुप्रीम श्रीवास्तव। सर, आपने ये आवाज़ उठाई, अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? देखिए, अभी हमने कलेक्टर साहब को संगठन विभिन्न संगठन द्वारा आवेदन दिए गए हैं और अभी मीडिया ने सीएमओ साहब की भी बाइक ली थी, तो उनमें भी उनने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेरा ये बोलना है कि यदि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो हमारे संगठन द्वारा पूरे प्रदेश भर में एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम ये अपने प्रदेश में कतई सहन नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ गौ तस्करी को एक बढ़ावा दिया जाए। प्रशासन इस पर बहुत जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई करे। धन्यवाद। देखिए, अभी ये सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से एक जानकारी लगी है और जो सोशल मीडिया में जो एक वीडियो क्लिप चल रही है उस संबंध में अभी हमने हमारे स्तर पर भी जांच जारी है और इस पे अगर कर्मचारी दोषी पाए जाते तो उस पर कार्रवाई। नरसिंहपुर से मुकेश पटेल की रिपोर्ट।